हेलो दोस्तों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया था। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम एक ही क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकैप्चुलेट करेंगे, क्लियर, ताकि कुछ एक चीजें जो आपको समझ में नहीं आई उसको हम इसको दोबारा से रिवाइज कर सके, क्लियर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट आई टोल्ड यू क्लियरली इन माय प्रीवियस वीडियो। ये हमने सभी डिटेल में जो है ना एक्सप्रेस कर लिए थे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ रहे हैं ताकि अगर हमें एक ही लाइन में पूछा जाए, एक स्टेटमेंट पूछी जाए, तो हम उसको क्विक आंसर कैसे कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एडजेक्टिव, तो यू कैन टेल दिस क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर डेफिनेशंस, राइट। सो कम बैक टू द पॉइंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वे है, दैट वे वी स्पीक, जिस लहजे में हम बात करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आता है। स्पीच का मतलब ही ये होता है, बोलना या बात करना, क्लियर। इसके पार्ट्स कितने हैं? ब्रिटिश लैंग्वेज में इसके 8 पार्ट हैं और ट्रेडिशन में इसके 9 पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इसको हमने इंक्लूड इसलिए कर लिया ताकि हम इसकी कुछ रीजन में इसको कर सके। ऑलराइट, सो देयर आर 9 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट आता है इसका नाउन, जो कि बहुत ही जरूरी है। नाउन होता क्या है? इट्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और आइडिया एंड द थिंग। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सब कुछ ही नाउन होता है, क्योंकि अगर वो पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट वो क्या है? थिंग है, चीज है कोई, तो चीजें तो सभी होती हैं, राइट। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, राइट। अब नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन अवॉइड करता है किसको? नाउन को, रिपीटेशन को अवॉइड करता है सेंटेंस में, क्लियर, जो कि रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। इस तरह से आपको कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोनाउन, देन यू कैन क्विकली आंसर इट अवॉइड्स द नाउन इन द सेंटेंस और इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस, राइट। इसके आपको पार्ट्स भी याद होने चाहिए। I told you there are 5 types of noun that are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and then the material noun. There are 5 types of noun over there. Pronoun ke bhi 8 parts humne kiye the. You can go through my previous videos and check it out, right? Then it is verb. What is verb? Verb hume kya karti hai? Verb hume action batati hai. It tells us a action, agana, an action, time, एक्शन, स्टेट और पोसेशन। पोसेशन होता है हम किसी के ऊपर हमारा कितना हक है, भाव है, हमारा ओनरशिप कितनी है, तो वर्ब हमें ये चीजें बताती है। ये सब इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि रीजन है इसकी। अब वर्ब के साथ ही आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? विच एड्स इनटू द वर्ब, जो वर्ब के अंदर कुछ और एड कर दे वो क्या होती है? एडवर्ब। एड प्लस वर्ब बिकम्स एडवर्ब, राइट। It qualifies verb, adjective, other verb or adds into the verb. I told you, adds into the verb. तो ये verb को add करने का काम करती है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? Adverb, right? Then comes adjective. What are the adjectives? देखिए, adjective होते हैं विशेषण, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, यानी कि किसी noun की विशेषता को बताना। वो अच्छा है, बुरा है, ठीक ठीक है, कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, एवरीथिंग वी कम टू नो थ्रू एडजेक्टिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव क्या क्वालिफाई करता है? क्वालिफाई सिर्फ करेगा वो नाउन को या फिर प्रोनाउन को, ऑब्वियसली, क्योंकि नाउन, अब नाउन का पार्ट ही प्रोनाउन है। अगर मैं कहूं कि राकेश इज अ गुड बॉय, ही इज ब्रिलियंट, तो ही यहां पे क्या है? प्रोनाउन। तो ब्रिलियंट वहां पे क्या था? एडजेक्टिव, यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। देन प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, जो हमें पोजीशन बताती है नाउन की, सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या है, कहां पे कोई चीज स्टैंड करती है, स्टेट करती है। जैसे अगर मैं कहूं द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, सो ऑन द टेबल, ऑन मतलब पोजीशन बता रही है वो बुक की, एक नाउन की, कि वो कहां पे पड़ी है। आई विल कम टुमारो स्कूल शार्प एट 9 o'clock, सो व्हाट इज एट हियर? एट इज टेलिंग अस द टाइम। तो देयर आर रिलेशनशिप ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, रिलेशनशिप बताती है किसका? नाउन का, हमें सेंटेंस में। कंजंक्शन, देखिए मैंने आपको बताया था कंजंक्शन क्या है, जंक्शन है। ये रेलवे जंक्शन में जैसे दो से ज्यादा गाड़ियां आती हैं, मिलती हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं,
उसी तरह कंजंक्शन भी एक दूसरे को कनेक्ट करता है, मिलाता है दो चीजों को। और वो दो चीजें कौन सी हो सकती हैं? वो या तो सेंटेंस हो सकता है, या फ्रेज हो सकती है, या क्लॉज हो सकता है, या फिर वो वर्ड हो सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दो ही हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंजंक्शन होगा, देन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज द इमोशंस, हमारे भाव, हमारी भावनाएं जो हम व्यक्त करते हैं, चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो गम की हो, चाहे वो सैड हो, चाहे वो एंगर की हो, चाहे वो ईमानदारी की हो, तो जो भी भाव हमारे अंदर, तो भाव सिर्फ मनुष्य के अंदर ही पाए गए हैं, तो जो भाव होते हैं ना, तो जब हम भाव व्यक्त करते हैं तब हम क्या यूज कर रहे होते हैं, तब हम इंटरजेक्शन यूज कर रहे हैं, जो कि आठवां और आखिरी भाग होता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन एक और आता है आर्टिकल, एज आई टोल्ड यू दैट्स इन ब्रिटिश ग्रामर। सो आर्टिकल क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनिट एंड डेफिनेट। इनडेफिनिट कौन से होते हैं? इनडेफिनिट वो होते हैं जो स्पेसिफिक ना हो, जैसे ही इज अ बॉय, अ बॉय, अ तो कोई भी हो सकता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट भी कोई हो सकता है, लेकिन द, अब इसमें देखना हमने ए और एन जो है ये क्या है, ये इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट है। अगर मैं लिखूं द तो द क्या है, डेफिनेट है। Clear? तो ए एंड आन, अब ए जो है ये हमारे कॉन्सोनेंट के सामने, कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, और एन जो है ये हमारा वॉवल के साथ लगता है। लेकिन वॉवल के अंदर भी हमें साउंड के ऊपर फोकस करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ए ई आई ओ यू देख लिया तो वहां पे हम लगेंगे। वो मैंने प्रपोजिशन में आपको वॉवल की क्लास में करवाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन चेक इट आउट। प्लस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसमें बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। इसमें 9th, 10th, 11th, 12th का जो लिटरेचर पार्ट है वो भी मैं कराने वाला हूँ। इसमें आपको फुली सिलेबस मिलेगा 9th टू 12th का, इंग्लिश का, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग यू विल गेट इन वन सेक्शन, इन वन, यू नो, वन चैनल। That I'll upload these all kinds of videos on my YouTube channel. So be with me every time whatsoever you need help. You can write to me in comment. You can call me as well. I have written my contact number in description box. So just go through this. इसको एक बार revise कीजिएगा। बहुत ज़्यादा tough नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। Starting में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे-धीरे slowly and gradually it becomes our habit and definitely you get English. अगर आपका interest create हो जाएगा ना, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये लैंग्वेज है, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं, कोई भी लैंग्वेज है, जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे वैसे वो चीज हमें आने लगती है, हमें उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, और जैसे सीखते रहते हैं दैट कम्स इजी फॉर अस, राइट। सो आई होप कि आपको मेरी ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि एक ही क्लास में मैं आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारा करवा सकूं। देखिए इसके ये पार्ट्स है, इसको भी डिटेल में नहीं करवाया, इट जस्ट अ ब्रीफली एक्सप्लेन्ड, सो दैट इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज वर्ब, यू कैन आस्क दिस, यू कैन टेल दिस। इफ आस्क व्हाट इज नाउन, यू कैन टेल दिस, राइट। आई हैव नॉट टोल्ड यू द टाइप्स ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नो, आई जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन्ड, राइट। सो इट मस्ट बी इन योर माइंड, इसकी सारी पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए, कौन कौन सी क्या चीज है, क्योंकि आगे जो हम क्लासेस करने वाले हैं ना, उनमें इन चीजों का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को बहुत सारा यूज आगे होने वाला है। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, जय हिंद।